आप उसको कोई सीरियस ना ले, ध्यान ना दे। बड़े बड़े स्टारों बीच ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं। दूसरी मैं ठीक हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो जनता है, वो ट्रस्ट रखे, मैं एकदम मस्त हूँ, तैयार हूँ। तो यार गाइस, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी रानी रंगीली की मौत की अफवाहों की खबर के बारे में, तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। यार गाइस, आप खुद देख सकते हैं, रानी रंगीली ने खुद लाइव आके कहा है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि भाई और बहनों, कि इस पोस्ट को कब आगे बढ़ावा ना देवे, ये पोस्ट बिल्कुल फेक है, ये अफवाह है बिल्कुल। और ये जो खबर है उनका ही कोई विरोधी वायरल कर रहा है, मतलब उनके इलाके का कोई बंदा है जो ये वीडियो को वायरल कर रहा है, उनकी पोस्ट को बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि उम्मीद है कि जल्दी वो पकड़ा जाएगा, और हम सब यही चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए, कि यार ऐसे लोग जानबूझकर बड़े सुपरस्टारों और कलाकारों की गलत खबरें और अफवाहें उड़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं, पहले से काफ़ी टाइम से होता जा रहा है। मनराज दीवाना, रानी रंगीली, राजू रावल, इनके बारे में कई अफवाहें उड़ाई जाती है जो कि बिल्कुल फेक होती है। ये सिर्फ ओनली और अपनी पब्लिसिटी, व्यू बढ़ाने और सब्सक्राइब बढ़ाने, छोटे मोटे चैनल होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, वही ऐसा काम करते हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, मनराज दीवाना, रानी रंगीली, राजू रावल, ये सब एक इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी हस्तियां है और इतनी कलाकार है हमारे राजस्थान के लिए। इनके गाने और संगीत एक से एक बढ़कर धूम मचाते हैं, और इनकी कलाकारी में वाकई में दम है। और जो भाई भी इनकी गलत खबरें और न्यूज़ वायरल करता है, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, यही उम्मीद का आशा करते हैं हम। और गाइस, आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना देवे, ऐसी फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करे, कि ये रानी रंगीली के मौत का अफवाह ये भी किसी ने फैला दी थी, और वो जल्द ही जल्द पकड़ा जाएगा गाइस, बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है पुलिस में। कि यार गाइस, ये खबर सुन के मुझे खुद को ही बहुत बड़ा झटका लगा था, पर यार गाइस, भगवान की दया से सब कुछ सही है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उन्होंने खुद लाइव आके कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है। और जल्द ही उनका नया गाना आने वाला है, जो कि बहुत ही सुपर डुपर, रानी रंगीली जैसे मनराज दीवाना और राजू रावल, प्रभु मंदारिया, ऐसे गीत कलाकार की आवश्यकता है हमें, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के लिए वास्तविक कलाकार है। इस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।